वेलकम टू माय चैनल। हेलो गाइस, आज हम पिकनिक बना रहे हैं सब गर्ल्स मिलकर, क्योंकि एंजॉय करने का दिल भी करता है कभी कभी, और आज मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे भी है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। सो गाइस, पहले हमने ये राइस बना लिया था। मैं इसका बनाने वाला वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो ये होने के बाद मैंने रिकॉर्ड कर लिया। फिर हमने ये अंडे के पकोड़े तले थे कढ़ाई में। ये मिक्सचर मैंने ही बनाया था, और ये मिक्सचर में मैंने ये अंडे पकाकर उसे अच्छे से मिलाकर अब मैं कढ़ाई में डालूंगी। वो हम तेल का गर्म होने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये मैंने तलने के लिए जैसे ही अंडा डाला, वो बहुत जोर से फटने लगा और तेल यहाँ वहाँ गिरने लगा, तो वहाँ सब चिल्लाने लगे और दूर भाग गए। हेलो गाइस, हमने अंडे के पकोड़े तैयार कर लिए। अंडे के पकोड़े करने के बाद हमें बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि ये तेल यहाँ पे यहाँ गिर रहा था। उसके बाद हमने ये चिकन के लिए तैयार कर रहे थे मसाला, और पहले ही हमने ये राइस बना लिए थे जो कि बहुत अच्छी तरह से पक गया है। थोड़ा भी ज्यादा या थोड़ा भी नरम कुछ भी नहीं, पूरा मस्त पर न्यूट्रल पक गया था। तो फिर हमने ये मसाला मसाला कुछ किया था, तो उसमें ज्यादा तेल गिर गया था, तो इसलिए हम इसको निकाल रहे थे। लेकिन कैसे निकाले किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, ये बहुत जोखिम भरा काम है। इसलिए तो फाइनली ये मेरी एक फ्रेंड ने तेल निकाल ही दिया था। उसकी वजह से चिकन की कंसिस्टेंसी ठीक रही थी। तो ये मसाला कुछ अभी तक हुआ नहीं है, इसे हम देख रहे हैं कब होगा। देखिए गाइस, ये मैं चिकन पका रही थी। बहुत संभल संभल के पका रही थी, क्योंकि यहाँ वहाँ गिर ना जाए। तो आप देख ही सकते हैं, इसका मसाला सब रेडी हो गया है। उसके बाद हमने ये चिकन पकाया था बहुत अच्छी तरह, तो इसका मसाला अच्छी तरह पक गया था। उसके बाद हमने ये चिकन पकाया, और उसके बाद हम इसको ढक कर रख देंगे कुछ मिनट के लिए, जब तक तो वो अच्छी तरह से चिकन पक ना जाए। तो ये हम
ये हम सब ने बैठ गए हैं खाने के लिए और सब आइटम तैयार हो गया है, तो हम सब अब मिलकर खाना भी शुरू कर दिया है। खाने में था राइस, दाल, अंडे के पकोड़े, चिकन और पापड़। सब चिकन तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था और अंडे के पकोड़े और सब कुछ टेस्टी टेस्टी था, लेकिन मुझे चिकन बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने इतने टेस्टी से बनाया था चिकन, तो वो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। सो गाइस, हम सब फ्रेंड ने खाने खाने के बाद स्प्राइट भी लाया था जो हम सबने पिया। चिकन खाने के बाद स्प्राइट पीने का कुछ अलग ही मजा होता है। मुझे चिकन खाने के बाद स्प्राइट पीना बहुत अच्छा लगता है और मेरे सारे फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छा लगता है, तो हमने स्प्राइट भी मंगाई थी पीने के लिए। ओके बाय गाइस, आज का वीडियो इतना तक ही। शेयर माय वीडियो।